मुजफ्फरनगर जनपद की क्राइम ब्रांच व बुढ़ाना पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोमवार की देर राती दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी सहित 100 किलो गांजे के साथ चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया, जबकि दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। दरअसल आपको बताते चले, बुढ़ाना इलाके के मेरठ करनाल हाईवे पर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी से दो अंतर्राज्यीय गांजा सप्लायर इमरान व शकील को गिरफ्तार किया, जबकि दो युवक अयुब और इरफान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने पकड़े गए अंतर्राज्यीय गांजा सप्लायर के कब्जे से 100 किलो अवैध गांजा जिसकी कीमत मार्केट में 12 लाख रुपए सहित एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की। बहरहाल पुलिस अधिकारियों की माने तो शातिर अंतर्राज्यीय गांजा सप्लायर आंध्र प्रदेश से गांजा की तस्करी कर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में गांजा को ऊंचे दामों में बेच दिया करते थे। पुलिस ने दोनों अंतर्राज्यीय गांजा सप्लायर से पूछताछ के बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। खुलासा किया गया है, क्या है पूरा मामला? विगत कई दिनों से एसएसपी मुजफ्फरनगर साहब को ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद में एक ऐसा तस्करों का गिरोह एक्टिव हो रहा है जो अन्य प्रदेशों से नशीले पदार्थ ला रहा है और मुजफ्फरनगर होते हुए आसपास के अन्य राज्यों में सप्लाई कर रहा है, जिस पर एसएसपी साहब ने क्राइम ब्रांच को लगाया और कल रात 9 बजे क्राइम ब्रांच और थाना बुढ़ाना SHO संजीव के नेतृत्व में टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन करा, जिसमें दो तस्करों को दबोचा गया। एक तस्कर इसमें थाना दोगढ़ जनपद बागपत का है, एक तस्कर शामली का है जिसके नाम क्रमशः इमरान और शकील हैं। दो तस्कर भागने में सफल रहे हैं जिनका नाम अयूब और इरफान है और इनके कब्जे से 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है जिसकी कीमत करीब 10 लाख से ऊपर है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। प्रथम दृष्टया इन्होंने पूछताछ पर बताया है कि ये गांजा ये आंध्र प्रदेश से लेकर आते थे काफ़ी सस्ते दामों में और ये दिल्ली लेके जा रहे थे इस डील को और दिल्ली में किसी व्यक्ति को इनको देना था। दिल्ली वाले का जिसके पास पहुंचनी थी ये डील उसके भी जानकारी की जा रही है और जहां से गांजा चला है उसकी भी जानकारी की जा रही है, जो वेशना का विषय है जिसमें टीम बनाकर कार्रवाई अलग से की जा रही है। आगे भी कोई इसमें जानकारी मिलेगी तो आपको अवगत कराएं। सर क्या बताया इन्होंने, कितने राज्यों में इस तरह के गांजे? ये देखिए आंध्र प्रदेश से लेके आते हैं, आंध्र प्रदेश में काफ़ी सुलभ मात्रा में गांजा उपलब्ध है, जिस तरीके से यहाँ भांग होती है वहाँ गांजा उपलब्ध है और उस गांजे पे कंट्रोल किसी का नहीं है, बहुत ही सस्ते दामों में वहाँ से ले आते हैं और यहाँ काफ़ी महंगे दामों में उसका बेच देते हैं। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस।